10 टीमें 23 मैच, 16 दिन चलेगा ओमेन T20 वर्ल्ड कप का घमासान। महिला क्रिकेट धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। बीते कुछ सालों में महिला क्रिकेट ने काफी कुछ हासिल किया है, वही पुरुष क्रिकेट की तरह ही महिला क्रिकेट में नियमित तौर पर विश्व कपों का आयोजन होने का अब जो है स्तर बढ़ रहा है। हाल ही में ICC ने महिला U19 विश्व कप का आयोजन कराया था, जिसे भारत ने अपने नाम किया था। अब बारी है कि सीनियर महिला टीम की। ICC अब सीनियर महिला वर्ग में T20 विश्व कप आयोजित कराने जा रही है। वहीं पिछले बार 2020 में इस प्रारूप के विश्व कप का आयोजन किया गया था, जिसमें से हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मात खाई थी इस टीम के दौरान। इस साल खेले जाने वाले विश्व कप की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है। वही हरमनप्रीत कौर की टीम की एक बार फिर कोशिश ये रहेगी कि विश्व कप अपने नाम कैसे करें, सीनियर वर्ग में देश को पहली बार विश्व कप दिलाए। शेफाली वर्मा की बात करें तो उनकी कप्तानी में भारत की महिला U19 टीम ने विश्व कप जीत हासिल की, वही निश्चित तौर पर सीनियर टीम के लिए उदाहरण होगी और अब सीनियर टीम जूनियर टीम से आगे जाने की भी कोशिश करेगी। बताते हैं कि आपको इस विश्व कप की हर एक चीज के बारे में, कहां खेला जाएगा T20 विश्व कप। ये विश्व कप भी उस जमीन पर खेला जाएगा जो क्रिकेट विश्व के लिहाज से भारत के लिए काफी अच्छी साबित हुई है। वही भारत ने 1983 के बाद पहली बार विश्व कप का फाइनल 2003 में खेला था। ये विश्व कप साउथ अफ्रीका में खेला गया था। वही भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप भी साउथ अफ्रीका में जीता था और महिला U19 टीम ने भी साउथ अफ्रीका में विश्व कप जीता था। इस बार ये विश्व कप साउथ अफ्रीका में होगा। महिला T20 विश्व कप 2023 के अधिकतर मैच न्यूजीलैंड में खेले जाएंगे। मैच पॉल के जो है पार्क में खेले जाएंगे और इसके अलावा 5 मैच सेंट जॉर्ज पार्क में खेले जाने हैं। इस विश्व कप में कुल 23 मैच खेले जाएंगे। इस विश्व कप में कुल 10 टीमों में हिस्सा ले रही, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश को रखा जाएगा। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और आयरलैंड की टीम होगी। हर टीमें अपने ग्रुप में 4 मैच खेलेंगी। हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की जाएगी। सेमीफाइनल मैच में 23 से 24 फरवरी के बीच खेले जाएंगे। वही फाइनल मैच 26 फरवरी को खेला जाएगा। इसके लिए रिजर्व डे 27 फरवरी को रखा गया है और दावेदार बता दें कि इस विश्व कप के सबसे प्रबल दावेदार की बात की जाए तो मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे पहले आएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगातार 17 T20 में जीती थी और इसके क्रम से भारत ने रोका था और ये टीम कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में भारत को मात देने में भी सफल रही थी।